हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है फेसबुक टीम के द्वारा, या किसी भी कारण से डिसेबल हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो आप उसे आसानी से इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस करना है, ठीक है। और ये जो मैं दोनों इम्पोर्टेंट प्रोसेस बताया हूँ, इसको आप स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखते हैं, आधा अधूरा स्टेप करते हैं, तो आपका फेसबुक अकाउंट इनेबल नहीं भी हो सकता है, और अगर इनेबल हो जाता है तो इनेबल होने के बाद दोबारा ब्लॉक हो सकता है, डिसेबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो हम फेसबुक ऐप से करेंगे। फेसबुक ऐप को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को इस प्रकार को मिल रहा होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल्ड, यानी कि आपका अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है। आप कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो है फेसबुक का, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे फॉलो नहीं किए इसके कारण से। और अगर लगता है कि ये बाय मिस्टेक किया गया है, तो आप एक रिक्वेस्ट ए रिव्यू कर सकते हैं। फेसबुक टीम आपके अकाउंट को रिव्यू करेगा। अगर वो रियल पाया गया, जेन्युइन पाया गया, सही पाया गया, और आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड को ब्रेक नहीं किया है, तो आपके अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट ए रिव्यू पर आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी वाला वीडियो अपलोड करना है और एक सेल्फी का फोटो अपलोड करना है, ठीक है। आपको यहाँ डरने की बात नहीं है, जो ये सेल्फी वाला वीडियो अपलोड करेंगे वो फेसबुक कहीं पे शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए आपका वीडियो लेगा और फोटो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीडियो होगा वो 360 का होगा, ठीक है। 360 यानी कि आपने फ़ोन को घुमाएंगे चारों तरफ, तो वो आपका फेस का एक दो साइड से आपका फेस का वीडियो लेगा और एक फोटो लेगा, ठीक है। और ये वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा फेसबुक के द्वारा जब आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे उसी का वीडियो डालेंगे जिसका फेसबुक अकाउंट डिसेबल किया गया है, ठीक है, और जिसके नाम से फेसबुक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो क्लिक कर लेंगे और एक सेल्फी क्लिक कर लेंगे, और दोनों जब होने के बाद, क्लिक होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा, वो आपके रिक्वेस्ट को कन्फर्म कर लिए हैं, ठीक है, हमारे पास आ गया है। अब आपके इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा फेसबुक टीम के द्वारा, अगर वो सही पाया गया है तो आपके अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट में जो भी डाटा है, जो भी फोटोज, ऑडियो, वीडियो, जो भी आप फेसबुक में अपलोड किए थे, पोस्ट किए थे, उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आप सभी डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा साइज में भी हो, MB, GB में भी हो सकता है। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे एक क्रिएट फाइल का ऑप्शन आएगा, और उसे आप क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है आपका अनब्लॉक करने का, इनेबल करने का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपको करना है, इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फेसबुक का जो टीम है उसके द्वारा आपके अकाउंट को डिसेबल क्यों किया जा रहा है। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ कि फेसबुक टीम के द्वारा क्यों आपके फेसबुक को डिसेबल किया जा रहा है, आप हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि मैं पूरा सही से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि क्या क्या कारण से फेसबुक आपके अकाउंट को बंद कर देता है, फेसबुक टीम आपके अकाउंट को डिसेबल कर देता है, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। दूसरा प्रोसेस में आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद, जैसे कि हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर हम सर्च करते हैं फेसबुक इनेबल। फेसबुक इनेबल जैसे आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको आएगा माई पर्सनल अकाउंट वॉज डिसेबल्ड फेसबुक m.facebook.com/contact। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, और वैसे ये पेज का मैं लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या करना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे लॉगिन, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालना है, फुल नेम डालना है, और योर आईडी, एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे ये जो प्रोसेस आप कर सकते हैं, अगर आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हुआ है तो 30 दिन के अंदर ही आपको ये प्रोसेस करना है। ये दूसरा प्रोसेस आपको करना है, उसके अंदर ही करना है, उसके बाद 30 दिन के बाद आप ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये सक्सेस नहीं होगा। इसके लिए आप यहाँ लॉगिन ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डालना है, जिस नंबर से या जिस ईमेल आईडी से आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हुआ है, और अपना फुल नेम डालना है जो कि आपके फेसबुक अकाउंट में था, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी डालना है, और आईडी में आपको क्या क्या डालना है वो मैं इसमें दिया गया है कि ये सभी आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन और बाकी बहुत सारी चीज़ दिया गया है। इन सभी में से आप किसी को भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो आईडी प्रूफ फेसबुक अपने पास रखेगा, ठीक है, एक साल के लिए, ताकि अगर आपके नाम से, आपके आईडी से ही दूसरा कोई आईडी बनाया, फेसबुक आईडी बनाया है, तो वो उसे सस्पेंड करेगा, उसे बंद कर देगा, ठीक है। अगर आपके ही नाम से, आपके एड्रेस से सब कुछ सेम है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कोई अकाउंट बना लेता है फेसबुक पे, तो किसी एक ही अकाउंट को रखेगा, एक को वेरीफाई करके दूसरे को वो डिलीट कर देगा। इसलिए आपके आईडी को वो एक साल तक स्टोर करेगा फेसबुक, वो कहीं शेयर नहीं करेगा। इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है, ऐसा फेसबुक के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
ये दोनों प्रोसेस करने के बाद अगर आपका अकाउंट रियल है, जेन्युइन है और आप फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन को कभी भी ब्रेक नहीं किए हैं, कोई भी गलत पोस्ट नहीं किए हैं, जो भी मैंने बताया है दूसरा वीडियो में कि आपका फेसबुक अकाउंट क्यों ब्लॉक होता है, क्यों डिसेबल होता है, उसके रिलेटेड अगर आप कुछ भी गलत काम नहीं किए हैं तो आपके अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। और अगर आपका आईडी जो भी आईडी दिए हैं वो आपके फेसबुक से मैच कर रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ नाम अगर सब सही होगा तो आपके अकाउंट को इनेबल कर दिया जाएगा। लेकिन हमने जब ये सही प्रोसेस किया तो हमारे अकाउंट को डिसेबल कर दिया गया है, परमानेंट बंद कर दिया गया है, हम उस नाम से अब यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने फेसबुक अकाउंट का नाम रखा था टेक समअप, जो कि एक कंपनी का नाम है, जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया है कि किसी भी कंपनी का नाम किसी भी फेक अगर नाम रखते हैं फेसबुक पे तो वो बैंड है, वो आप नहीं रख सकते हैं फेसबुक पे। यानी कि हमारा जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है फेसबुक का, उसको फॉलो नहीं होने के कारण से आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते हैं उस ईमेल आईडी से, उस ईमेल आईडी से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका अकाउंट रियल है तो अकाउंट आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज हम अक्सर लाते रहते हैं। वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।